मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज आयशी रंगना। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी वो था ना, क्या कहते हैं, फ्लावर वगैरह जो मैंने दिवाली में लगाया था, वो सब कुछ निकाल के मैंने रख दिया है। और एक बाहर का लगा हुआ है, वो मुझसे निकल ही नहीं रहा। इस पन्नी में डाल दिया सारा, और इस पन्नी में जितना मैं हटा पाई इसमें डाल दिया, और तो काफ़ी ऊपर ऊपर है, मुझसे हट ही नहीं रहे। तो देखती हूँ कोई हटा दिया तो सही है, वरना ऐसे ही लगा रहेगा। क्योंकि रूम बंद करके जाऊंगी मैं, बाहर का सब निकाल कर ले भी जाते हैं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रही हूँ मामी के घर, क्योंकि खाना खाने के लिए मामी कॉल कर रही है। फिर खाना खाने के बाद आऊँगी, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट्स रहते हैं, उसके बाद बच्चे आने लगेंगे। तो मैं फटाफट से जाती हूँ, खाना खा कर फिर पढ़ाना शुरू करती हूँ। लाइट्स वगैरह बंद। मैं मामी के घर आई हूँ, यहाँ पे आज शायद तुलसी भी आया तो उसका पूजा हो रहा है। तो यहाँ पे तो दीप नहीं जली, कुछ दिए मैंने और दिए, दो दिए यहाँ पे हैं, ये रहा दो, और दो वहाँ पे जल रहे हैं, और इधर हो रही है पूजा की तैयारी। यहाँ पे और दिए पड़े हुए हैं, तो एक एक दिए शायद रूम के बाहर रखना है, तो एक मैं रख देती हूँ किचन के बाहर यहाँ पे। और एक रखूँगी अंदर रूम में। अंदर रूम में क्या, गेट पे रखूँ या किसी रैक पे रख दूँ? ठीक है, एक यहाँ पे रख देती हूँ दरवाजे पे, और एक और दिया रहता है उसको पता नहीं कहाँ रखूँगी। इसको शायद रख देते यहाँ पे, रख दे रही हूँ मामा हॉल में, हॉल में यहाँ पे सही रहेगा। ये तो पूछ गया, इसको फिर से जलाना पड़ेगा, इसको भी रख के यहाँ पे जलाऊँगी फिर से। मैं अभी मेट्रो स्टेशन पे आई हूँ, और यहाँ पे मेट्रो लूँगी, उसके बाद जाऊँगी रेलवे स्टेशन। अभी जस्ट रेलवे स्टेशन पहुंची हूँ, मामा गए प्लेटफॉर्म कंफर्म करने की ट्रेन कहाँ पे आएगी। अभी रात है, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी थक हूँ मैं। मेरा उधर गए मैम, मामा मुझे ट्रेन पर बैठा के चले जाएंगे, मैं अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ। ये रहा जो मैं लेकर खड़ी हूँ, भाग भाग के मैं थक गई, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसे आ रही है। पता चल गया हमारी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म नंबर पे आ रही है, जा रहे प्लेटफॉर्म पर करके। गांव से वो घोड़े पे सवार होकर वो लोग चले गए। ये है मेरी बहन जो कि गांव में रहती है, इस गांव में उसका घर वहाँ है। एक घर दिखाती हूँ, वहाँ पे घर दिख रहा है, वो इसका घर है। आ रहा है थोड़ा सा, भाई हिल जाता है दिमाग भाई का, तो उसी का इलाज करवा। खुद ही गांव में आई है, सबको गंवार कह रही है। ये गंवार है एक नंबर की। तो हम बस घर जा रहे हैं, घर पर पूजा है, वही बाहर जा रहे थे क्योंकि हम काम से गए थे, हम सामान लाने गए थे, सामान लेकर आ चुके हैं। और ये ना प्यारा गांव है,
और घर हमारा उधर है, उधर दिखा नहीं सकती, अभी बहुत लोग होंगे। ये तो खीर नहीं है।